नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। बड़ी खबर आ रही है भिकनगांव से, जहां देर शाम दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक विशेष वर्ग के समाज के लोगों ने मंगलवार को भिकनगांव बंद का ऐलान कर दिया, जिसके बाद आज मंगलवार को रैली निकालकर नारेबाजी भी की। इस दौरान धार्मिक स्थल पर दोनों पक्षों के आमने सामने विवाद की स्थिति बन गई, जिसके बाद घटना को बढ़ता देख अतिरिक्त थानों से पुलिस बल बुलाया गया। मौके की गर्माहट को देखकर जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सिंह पवार सहित जिला पुलिस ने मोर्चा संभाला। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और दोनों पक्ष भिकनगांव थाने पर मौजूद है। न्यूज लीडर्स के संवाददाता प्रशांत भालसे ने जानने की कोशिश की एडिशनल SP से कि आखिर भिकनगांव में क्या मामला है। आइए सुनते हैं एडिशनल SP राजेंद्र सिंह पवार से। भिकनगांव कस्बे में कल रात्रि में एक किराना दुकान है, रितेश किराना, वहाँ पर एक बच्चे द्वारा कुछ खरीदी की गई। खरीदी करने के दौरान छोटे बच्चे की जो है समझाइश के दौरान वहाँ के जो किराना वाले थे उनके संबंध में ये आपत्ति ली गई कि उनके द्वारा बच्चे को क्यों समझाया गया। बहुत मामूली सी बात पर से वहाँ पर कुछ बदमाश लड़के थे, दो तीन, वो अंदर आके उन्होंने कुछ उनके साथ झूमा झटकी कर ली और वहीं से विवाद शुरू हुआ। उसकी FIR थाना भिकनगांव में हो चुकी है और उनकी तलाश है, नामजद हैं, अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो गिरफ्तारी को लेकर के एक पक्ष जो है वो गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, जिसके कारण थोड़ा सा लोग इकट्ठे हो गए थे, जिन्हें अलग कर दिया है। और शहर में भिकनगांव में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण और सामान्य है, कहीं कोई किसी प्रकार की अन्य घटना नहीं है। सर, FIR के बाद भी पुलिस ने आरोपी को यहां थाने से छोड़ दिया, ऐसा सुनने में आया? नहीं, यह कहना गलत है कि आरोपी थाने आए और थाने से छोड़ दिया गया, ये संभव नहीं है। सर, कितने लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करें? अभी 3 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, बाकी अगर और भी नाम इन्वेस्टिगेशन में आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, किसी को निर्दोष को नहीं हम लोग कार्रवाई करेंगे, जो दोषी हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी कहां-कहां से बल भिकनगांव में उपस्थित हुए? अभी हमारा खरगोन मुख्यालय का फोर्स आया हुआ है, इसके अलावा हमारे जो सब डिवीजन के थाना प्रभारी हैं वो थाना प्रभारी अपने साथ कुछ फोर्स लेके आए हैं। पुलिस की कार्रवाई का कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं सर, कि पुलिस ने जो है चेहरा देख के काम किया है। क्या कहना बिल्कुल गलत है, पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है और हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे SP साहब हैं और हमारे अधीनस्थ, सभी लोग निष्पक्ष और सही कार्रवाई करते हैं। सर, रैली और नारेबाजी के दौरान एक धार्मिक स्थल के सामने वादविवाद की स्थिति हुई है, पुलिस इसको नियंत्रण क्यों नहीं कर पाई? तत्काल ये लोग जब ज्ञापन देने के लिए पहुँच रहे थे तो इनके द्वारा जो है रुख गलत कर लिया गया। वहाँ जाकर ये लोग वहाँ प्रदर्शन करने लगे, जिनको वहाँ से हटाया गया और उनको अपने अपने घरों में जाने की हिदायत दी गई और रोड खाली करा दिया गया। न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।